तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले के पथरिया ब्लॉक के बारे में। ये ब्लॉक करीब 704 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। करीब 1,72,000 की यहाँ पर जनसंख्या है और 131 यहाँ पर टोटल गाँव हैं। तो अब बात करते हैं पथरिया ब्लॉक के 10 सबसे बड़े गाँव के बारे में। 10वें नंबर पर आता है किशुनगंज, जहाँ करीब 6,199 लोग रहते हैं। ये पथरिया से करीब 24 किलोमीटर दूर है। इसका सबसे नज़दीकी टाउन नरसिंहगढ़ है। तो 9वें नंबर पे आता है सीतानगर, जहाँ करीब 6,423 लोग रहते हैं। ये पथरिया से करीब 59 किलोमीटर दूर है। ये केन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 8वें नंबर पे आता है क्योलारी पथरिया, जहाँ करीब 6,468 लोग रहते हैं। ये पथरिया से करीब 12 किलोमीटर दूर है। इस गाँव के पास एक बहुत बड़ा डैम है। तो 7वें नंबर पे आता है लखरौनी, जहाँ करीब 6,729 लोग रहते हैं। ये पथरिया से करीब 3 किलोमीटर दूर है। ये पथरिया से काफ़ी नज़दीक है, जिसकी वजह से ये थोड़ा विकसित हो गया है। तो 7वें नंबर पे आता है सातपारा, जहाँ करीब 8,008 लोग रहते हैं। ये पथरिया से करीब 11 किलोमीटर दूर है। ये फेमस है यहाँ की सातपारा माइंस के लिए। तो 5वें नंबर पे आता है जेरठ, जहाँ 8,116 लोग रहते हैं। ये पथरिया से करीब 36 किलोमीटर दूर है और ये केन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 4थे नंबर पे आता है किंद्राहो, जहाँ 8,315 लोग रहते हैं। ये पथरिया से करीब 32 किलोमीटर दूर है। इससे थोड़ी ही दूर में एक रेलवे का ब्रिज है, पुल है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो 3रे नंबर पे आता है बोटराई, जहाँ 8,778 लोग रहते हैं। ये पथरिया से करीब 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से थोड़ी ही दूर में मानसा माता का मंदिर है, जो कि पहाड़ के ऊपर है और जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो 2रे नंबर पे आता है नंदराई, जहाँ करीब 10,193 लोग रहते हैं। ये पथरिया से करीब 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों ही स्कूल उपलब्ध हैं। तो पहले नंबर पे आता है बंसा कलान, जहाँ करीब 14,314 लोग रहते हैं। ये पथरिया से करीब 3 किलोमीटर दूर है। इसके एक तरफ पथरिया है और एक तरफ सुनार नदी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और याद से मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। तो चलिए, पे वीडियो ख़त्म करते हैं।